आज दिन की शुरुआत हो गई है और अभी बज रहे हैं 10:15 और आज तो 15 मिनट जल्दी उठा यार, क्या बात है। और आज मैं यहीं सोया था दादी और भाई के पास, मजा आ गया। तो व्लॉग की स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मैंने भैया को भी दिखा दी। भैया कैसी लगी? अरे गजब, एक नंबर है ना। लड्डू दीजिए ना। हाँ जी लीजिए, मित्रों तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी ना? लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बना रही है ब्रेकफास्ट मम्मी, क्या है ब्रेकफास्ट में? मूली की रोटी है, जींद के छोले हैं, शाही पनीर है। मेरे को जींद के छोले दो, शाही पनीर सब लोग कर, जींद के छोले दो। ब्रश करके आते हैं फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। रेनू बुआ ब्रेकफास्ट आ चुका है, कुछ हैवी ब्रेकफास्ट हो रहा है। मूली की रोटी, नॉर्मल रोटी, छोले और दही। एरी बुआ, एरा भाई अंगड़ाई ले रहा है, एरी दादी जा रही है भैया के साथ मेट्रो स्टेशन, इनको जाना चांदनी चौक। 12 बज रहे हैं और पापा भी घर पे हैं और भैया बुआ को छोड़ने का मेट्रो स्टेशन, तो दुकान पे मुझे बैठना पड़ रहा है। तो अभी तो फिलहाल व्लॉग चला के बैठे हैं, तो चलो व्लॉग देखते हैं अपना ही। चलने जा रहे हैं जो कल स्वीट्स लाए थे, ये रहा मिल्क केक। कैसा है? हैं सारे खोल लिए? सो ये रहा गाजर पाक। बढ़िया है। कल तो बहुत मिठाई के डब्बे आ गए यार। ये क्या है? आटे वाली। ये कौन सी होती है? अच्छी है। ये 2 डब्बे ले आया हूँ, यहाँ पे बैठ के खाएंगे आराम से टीवी देखते देखते। रात तो नहा नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, सो गया था, बहुत नींद आई थी, थकावट भी हो रही थी कल की, तो ऐसे ही आउटफिट चेंज कर लिए, अब जा रहे ट्यूशन। खाया तो था नहीं घर पे, टाइम नहीं था, तो अभी अनुज और मैं ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं। छुट्टी होगी और अब जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, घर ही जा रहे हैं, घर ही में रहेंगे। सर को रोटी नहीं खाई थी, टाइम नहीं था, तो अब नमक मिर्च वाली रोटी चाय के साथ खा रहे हैं। हम लोग आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं, मम्मी से पूछो। So guys, इतनी बढ़िया है जो अभी तक मैंने भी नहीं देखी। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। भाई तेरी सब्जियों को होश आ गया हो तो 1 किलो टमाटर पैक कर दे। कैसे लगी आपको सब्जी वाली की पानी की छींटे? यहाँ पे बनने जा रहे हैं अंडों के ऑमलेट, मम्मी बना रही है रात का डिनर, और यहाँ पे प्याज टमाटर की सब्जी बन चुकी है विद रोटी। तो मम्मी ऑमलेट कैसे बनाओगे? पहले ये प्याज टमाटर धनिया को काट के, अच्छा इसका मिश्रण तैयार करूंगी। मिश्रण मतलब प्याज टमाटर काट के नमक मसाला सब कुछ मिक्स करके। तो गाइस ऐसे मिश्रण तैयार करते हैं। हाँ प्याज टमाटर, अब अंडे को फेंट के गिलास में और इसका आमलेट बन जाएगा। तो चलो बनाओ। सो गाइस आज हम आपको पूरी रेसिपी दिखाएंगे, पूरी A to Z। चम्मच ले ली, इससे अब यहाँ पे थोड़े चाट टमाटर और ये अंडा तोड़ दिया और अंडा डाल चुका इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे।
हम तीसरे रूम में एडिटिंग कर रहे थे और मम्मी डिनर ले आई ऑमलेट विद रेड सॉस। आज खाएंगे ऑमलेट बड़े दिनों बाद। कैसा लगा आज का व्लॉग? अच्छा था ना? और अभी बज रहे 12 और 2:30 बजे तक मैं अपना स्कूल का काम करूंगा यहीं पे बैठ के तीसरे रूम में, और क्योंकि थोड़ा पेंडिंग है ना 2:30 बजे तक करूंगा फिर सो जाऊंगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा? मस्ती लगा होगा ना, है ना? बहुत मेहनत लगती है, पर आज थोड़ा सोने में टाइम निकल गया। चलो कोई बात नहीं। और अगर कल का व्लॉग नहीं देखा मैं आपने मेरा, तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना, वो भी व्लॉग देखना। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।